हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ख़ास, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूँगी इचिंग के बारे में। जो बॉडी में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है, जो बॉडी के ऊपर ऐसे चकत्ते चकत्ते मतलब दाने जैसे आ जाते हैं, कुछ इस तरह से वो बीमारी हमारे बॉडी में होती है, उसको हमारे भोजपुरी में जुलफुत बोलते हैं, कहीं कहीं पित्ती बोलते हैं, कहीं कहीं इचिंग बोलते हैं। मतलब अपने बोलने के ऊपर है, जो लोग जिस भाषे में समझते हैं उस भाषे में मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये रेमेडी, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप लोग YouTube पर ये नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे। तो फ्रेंड, मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ। आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब मैं विलेज से जब आ रही थी तो ट्रेन में मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी, क्या हुआ था मुझे, वो मैंने शेयर नहीं किया था अपने वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं बता रही हूँ कि जब मैं विलेज से आ रही थी, ट्रेवल कर रही थी, ट्रेन में अकेली थी मैं, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी, क्योंकि मेरे मिस्टर, मेरे बच्चे पहले ही आ चुके थे। और जब मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे 15-20 मिनट के बाद, समझ लीजिए आधे घंटे के बाद, मुझे ये खुजली जो था, इन्फेक्शन, पित्ती जो, ये चालू हो गई। और ये वही इन्फेक्शन है जिसका इलाज मैं लेकर आ जाई हूँ इस वीडियो में। पहली बार फ्रेंड, लाइफ में पहली बार चालू हुआ, जो मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है मुझे। ना तो मुझे कभी हुआ था, ना तो मैं कभी देखी थी। बस जब होने लगा तो ऐसे हर तरफ ऐसे ऐसे हाथ फिराने लगे, खुजली करने लगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मुझे। फिर मैं ड्रेसिंग में गई, जब अपने आप को जब मैं शीशे में देख रही हूँ तो मेरे ये पूरा गला जो है, ये गला पकड़ के सब हो गया था, एकदम रेड रेड, और इतनी खुजली हो गई, हो रही थी, आँखें वाखें एकदम लाल हो गई थी, फेस वोस एकदम लाल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तो फ्रेंड, मैं अकेली थी, बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मिस्टर को मैंने बताया, मिस्टर ने मेरे जो रेलवे इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं उनको कॉल किया, उनसे बात हुई, वो लोग मुझे मेरे यहाँ दवाइयाँ पहुँचाए, मैंने दवा लिया। तब जाके मुझे दवा खाने के बाद भी मुझे घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा के बाद आराम मिला। बहुत लेट वो दवा काम की थी, मुझे तो लग रहा था कि मेरा पैसा भी फालतू चला गया और दवा भी काम नहीं कर रही है, लेकिन काम की, बहुत स्लो काम की, एक घंटे के बाद ही, समझ लीजिए, वो दवा मुझे काम की। तो फ्रेंड, उसी के बारे में आज मैं बता रही हूँ कि जिस हिसाब से मैं परेशान हो गई थी, पहली बार मुझे ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी हुई थी कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। तो जैसे तैसे तो फ्रेंड मेरा सफ़र कट गया, दवा ली, दवा खाने के बाद सफ़र कट गया। लेकिन जब मैं घर पे, रूम पर पहुंची मुंबई में, तो फिर मुझे 12 बजे रात को फिर वही इन्फेक्शन चालू हो गया। अब कोई एलर्जी नहीं था, कोई फूड वूड की वजह से नहीं था, खान पीन की वजह से, दवाइयाँ तो मैं बिल्कुल कोई लेती नहीं हूँ, किसी वजह की कोई एलर्जी नहीं थी। ऐसे अचानक सा होने लगा, ऐसा प्रभाव पड़ा, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। कोई कहते हैं कि, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लोग कहते हैं कि थोड़ा अगर हवा हवा लग जाए, ठंडी लग जाए, तो उस वजह से भी हो जाती है, दवा की रिएक्शन से भी हो जाती है, खान पीन के भी बदलाव से हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो वो प्रॉब्लम, वो बीमारी मुझे हो गई। तो फ्रेंड, उसी का उपाय मैं लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब मुंबई में आई तो ये देखिए, ये मैं दवा भी मंगवाई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये जाए तो जाए कैसे। कुछ लोगों को मैं ये प्रॉब्लम बताई तो कुछ लोग बोले दवाई करो, कुछ लोग बोले वो जाए करो, गांव से आ गई हो, भूत बतास पकड़ लिया, ये वो, दुनिया भर का जितने लोगों से बोलो, जितने लोगों से कहो, वो सब अपनी अपनी राय देते हैं। फिर मैं अपने देवरानी से कही तो उसने मुझे ये उपाय बताया, और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ फ्रेंड। उस समय मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है या झूठ है। सुनी तो मैं बहुत लोगों के मुंह से थी, सिर्फ सुनी थी, आजमाई नहीं थी, लेकिन जब मैंने आजमाया तो और उसका रिजल्ट मेरे सामने आ गया। अपने ऊपर जो आजमा चुकी हूँ, रेमेडी जो कर चुकी हूँ यूज,
उसी को मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ताकि मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत लोग परेशान होते हैं इस बीमारी से, इस खुजली से, इस जुल्फुत की बीमारी से, ये पित्ती से बहुत परेशान होते हैं। तो फ्रेंड आज उसी के बारे में मैं बताऊंगी। अभी का मैं गारंटी ले रही हूँ कि अगर नहीं ठीक हुआ ना तो मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं बैठी हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग हैं फ्रेंड बहुत परेशान होते हैं, बहुत दवाई करते हैं, बहुत इलाज, बहुत ब्लड वगैरह चेक करवाते हैं, बहुत ओझा सोखा के पास जाते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई आराम नहीं मिलता है। लेकिन ए रेमेडी से आपको सिर्फ दो बार लेना, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बार लेना। मैंने तो एक ही बार लिया, मेरा ठीक हो गया, लेकिन मैं दूसरी बार भी ली। मैं सोची हमेशा के लिए जो थोड़ा बहुत रहेगा ना तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने दो बार लिया और आज भी मैं लूँगी, आप लोगों के सामने लूँगी। तो चलिए आप रेमेडी के पास चलते हैं, ज़्यादा बातें करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले हम इसको बना लेते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। और ये देखिए आप लोग, मेरी दवा जो आई थी ये दस गोली थी, दस गोली में मैंने सिर्फ दो गोली लिया है, और इस दवाई की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और कम से कम मुझे महीना होने को आ रहा है गांव से, जब विलेज से आई जब मुझे, तब से लेके आज तक महीना होने को आ रहा है, लेकिन दो बार दो खुराक ये मैंने जो रेमेडी बना के लिया ना, उसके बाद कभी आज तक फिर हुई नहीं वो इन्फेक्शन, वो खुजली, वो जो इचिंग, जो कुछ भी बोल लो उसको, कुछ भी हुआ नहीं। तो बस आप लोगों के साथ यही सोच रहे थे कि मैं शेयर कर दूं, ताकि मेरी बहनें, मेरे भाई बहन जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उनके घर में ऐसी किसी को प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये रेमेडी यूज करके हमेशा के लिए इस बीमारी से, इस रोग से छुटकारा पा लें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं रेमेडी की तरफ और बना लेते हो। पहले बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि इस रेमेडी का उपयोग बाकी लोग भी कर सके या बाकी लोगों को जानकारी हो सके। तो बस चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं। चाहिए रेमेडी बनाने के लिए 2 गिलास, आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कांच भी हो, स्टील भी हो। मैंने स्टील का नहीं लिया, कांच का लिया है, ताकि इसमें दिखना भी चाहिए सब। हमारे यहाँ इसको गेर बोला जाता है, ये मुंबई में गेरू बोला जाता है, हम महाराष्ट्र में हैं तो बता दें यहाँ का, यहाँ गेरू बोला जाता है। किसी भी किराना दुकान, पंसारी या पूजा भंडार की दुकान में कहीं भी ये आसानी से मिल जाएगा, और बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पैकेट में पूरा आया था, मैंने खोल के इसे वॉल में लिया है। और फ्रेंड ये गांव में इसको गेर बोला जाता है, जो ये बॉडी पे जो इचिंग आती है, जो ऐसे अभी बोरे पड़ते हैं जो बॉडी में ना, तो उसको इसका लेप बना के लगाया जाता है। कुछ लोग इसको पकौड़ी में बना के खाते हैं, कुछ लोग इसमें बना के खाते हैं, क्या बोलते हैं अपना, ये गुलगुला होता है, गुलगुला आप लोग जानते होंगे, उसमें इसको मैश करके, पीस के पाउडर बना के उसमें मिक्स करके उसका गुलगुला बना के खाते हैं, पकौड़ी बना के खाते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल टिटिम्मा नहीं करना है। इसको क्या करना है आपको, कि आपको बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 रुपये तक मिल जाएगा। हमें लेना है 1 गिलास में पानी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं पानी का, जितना आपको लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 चम्मच गेरू, यहाँ पे देखिए मैं 1 चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ गेरू, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको ये थोड़ी देर तक 5 से 10 मिनट इसमें रखना है, ये जब तक ये गल नहीं जाता, मेल्ट नहीं हो जाता है। और फ्रेंड ये एकदम मिट्टी के जैसे है, इसका जो पानी है, इसका जो टेस्ट है, मैंने पिया है, एकदम ऐसा लगता है ना जैसे मिट्टी है, और जैसे सोंधापन आता है ना मिट्टी के अंदर से सोंधापन, बहुत औरतें प्रेगनेंसी हालत में ये सब खाती पीती हैं। गेरू तो नहीं खाती हैं, मिट्टी खाती हैं, मैंने भी खुद मिट्टी खाया है। लेकिन फ्रेंड ये हमारे बुजुर्गों का जो अभी आयुर्वेदिक जो नुस्खा है ना, आज भी काम कर रहा है। अगर आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ इसे आप यूज करेंगे ना, तो आज भी ये रेमेडी काम करेगी, और ये बुजुर्गों का ही बताया हुआ नुस्खा है फ्रेंड। और जो लोग यूज कर चुके हैं उनको तो फ़ायदा मिल चुका है, आप लोग भी यूज कर लीजिएगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा इसका फ़ायदा। तो फ्रेंड ये अगर जो अगर नहीं करेगा तो वो तो फिर उसका पानी में पैसा, सॉरी उसका दवाई में पैसा बर्बाद होगा फ्रेंड। लेकिन इसको आपको ये सोच
समझ लीजिए ये 50 रुपये से भी कम का चीज़ है। आप लोग अगर ये रेमेडी नहीं आजमाए तो आप ओझा सूखा दवाई हॉस्पिटल कुछ भी कर ले आपको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये रेमेडी आप लोग यूज कर लेते हैं तो हमेशा के लिए क्या ज़िंदगी भर के लिए ये रोग ये बीमारी आपका आपके बॉडी से आपके शरीर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंड ये देखिए अब गल चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गल चुका है। इसका पाउडर बना के भी मिक्स कर सकते हैं। और हाँ आपको ये बता दो ये रेमेडी कब करना है आपको, किस दिन करना है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। ये हर दिन नहीं करना है आपको, रविवार और मंगलवार, संडे और ट्यूजडे, दो दिन ही करना है। क्योंकि ये एक समझ लीजिए टोटका टाइप है। अगर ये रेमेडी आपको करना है यूज करना है अपने ऊपर तो आपको दो दिन करना है, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, खर दिन जो होता है उस दिन करना है और कोई टोके ना फ्रेंड। ये एक टोटका टाइप का है कि कोई टोके ना, कहते हैं ना कोई काम करो तो कोई किसी को टोकना नहीं चाहिए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को बोलना अगर बोल देते हो तो इस दवा का इस रेमेडी का असर है जो वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रहे कि आप जब ये रेमेडी बना के पी रहे हैं तो कोई टोके ना। और दूसरी बात है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए अगर आप शनिवार के रात को अगर साफ़ सुथरे पानी में भिगा के रख देते हैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको मिक्स करिए और छान लीजिए, छान कर पी लीजिए, कोई देखे ना कोई टोके ना। अगर आपकी बीमारी नहीं ख़त्म होती है एक खुराक से, मतलब एक बार आप ले रहे हैं रविवार के दिन ले रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत रह गया है आपको शक है कि नहीं फिर से वापस चालू हो जाएगा फिर से मुझे प्रॉब्लम होगा तो फिर इस रेमेडी को फिर मंगलवार को यानी ट्यूजडे को फिर ये रेमेडी बना के ले लीजिए। देखिए आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। छान लेने से क्या है, इसके अंदर का जो मिट्टी है, जो एक कंकर है, पत्थर है, जो भी कुछ है छोटा मोटा निकल रहा है तो ये छानने से निकल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड एक गिलास मैंने ये रेमेडी तैयार कर लिया है, बना लिया है। अब हम इसको आपके सामने ही पीकर दिखाएंगे। मैं इसको पी के दिखाती हूँ और आपको इसको एक ही बार में पीना है, सिप सिप करके नहीं पीना है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो आप इसको सिप सिप करके मत पिए, एक बार में ही इसको गटक जाइए, ठीक है। तो मैं आप देखिए मैं आपके सामने पी रही हूँ और आज है मंगलवार, मेरे घर में कोई नहीं है। हालांकि ये बासी मुँह मतलब पिया जाता है लेकिन मेरा नाश्ता हो चुका है तो मुझे इस बीमारी से छुटकारा भी मिल चुका है। ये रेमेडी मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए पीने जा रही हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोगों के सामने ख़त्म कर दिया। और इसका टेस्ट ना एकदम मिट्टी का सोंधा सोंधापन जो आता है ना वही टेस्ट, बिल्कुल ख़राब नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप लोग ऐसा मत डरिए कि पीने के बाद आपके पेट में इन्फेक्शन होगा, कुछ होगा, कोई बीमारी कुछ वगैरह वगैरह, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ जिस बीमारी के लिए ये रेमेडी मैंने बनाया बताया और खुद पी, वो बीमारी हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा, इसकी गारंटी 100% मेरी है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो फ्रेंड कहते हैं ना कि गुलगुला में बना के खाओ, पकौड़ी में बना के खाओ, तो वो हम खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे पेट में जाएगा, पेट से बाथरूम में जाता है लैट्रिन में आनी। लेकिन ये जो पानी में हम बना के पिएंगे ना, तो ये जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में हर एक नस नस में ये पानी फैलेगा।
तो वो हर जगह से जो इन्फेक्शन रहेगा, वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, वो पूरे नस नस में जब ये पानी जाएगा और पानी पूरे बॉडी में फैलेगा तो वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इसकी गारंटी है मेरी। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। टी मेरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑल गाइस, ऑल फ्रेंड, जो भी है भाई बहन, जिस रेमेडी को जरूर आजमाइएगा। थैंक यू।